बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई खबरें तो आप हमेशा भारत लाइव पर सुनते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो ज्यादा मजा देती हैं और ज्यादा आपको हौसला बढ़ाती हैं, वो अपने हुनर से। आपको बता दें कि बिहार में क्या है ये कहने वालों को संजीव मिश्रा ने एक करारा जवाब दिया है, तगड़ा जवाब दिया है। और उस जवाब की शुरुआत करने और उनके पूरे यात्रा को दिखाने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि राजनीतिक रूप से बिहार में जिस तरह से उथल पुथल मची हुई है, उसमें एक शख्स जो है वो अपने हाथ में मसाल लेकर के आगे बढ़ गया है। बिहार में क्या है ये कहने वालों को तगड़ा जवाब दे रहा है, और वो कहते हैं कि बादलों की ओट से सूरज निकलने वाला है, सफर जारी रखें, वक्त बदलने वाला है। आपको बता दें कि ये पूरी कहानी पैनोरमा ग्रुप की है। पैनोरमा ग्रुप की जब चर्चा होती है तो आपको सीधे सीमांचल का क्षेत्र नजर आता है, और कोसी सीमांचल के क्षेत्र से निकला एक युवा, एक नौजवान, जब उसे याद आती है अपने वतन की, अपने क्षेत्र की, तो वो सीधा दौड़ करके आता है अपने ग्रामीण क्षेत्र में। सुपौल के रहने वाले हैं, छातापुर क्षेत्र है उनका, और वहां के रहने वाले संजीव मिश्रा ने एक अलग तरह की मिसाल कायम की है। उस मिसाल में कहीं ना कहीं उन्होंने बिहार में जो पलायन की बातें लगातार की जा रही है उसमें बहुत हद तक कम करने में सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के संजीव मिश्रा ने, हालांकि वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत कम मीडिया में आते हैं, लेकिन मीडिया उन्हें खबरों में बनाए रखने के लिए मजबूर है, क्योंकि काम ही ऐसा वो कर रहे हैं जिसको लेकर के बिहार में एक नई ऊर्जा का को भर दिया है, एक नई चेतना लेकर के आए हैं। और उनके इस प्रयास को लेकर के ये कहना लाजमी बनता है कि सपने देखने मात्र से ही पूरे नहीं होते, सपनों को पूरा करने के लिए देखना पड़ता है। यानी कि आप समझ लीजिए कि संजीव मिश्रा ने खास करके वो लोग जो बिहार से बाहर हैं और बेहतर काम कर रहे हैं, उन लोगों को इस तरह का एक संदेश दिया है, ऐसा कबूतर भेज दिया है जो उन्हें बिहार वापस आने के लिए मजबूर कर रहा है। बिहार के कई बड़े जो कहा जा रहा है कि व्यवसायी वर्ग हैं, कई ऐसे बड़े लोग हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में, विदेशों में अपने व्यवसाय करते हैं, वैसे लोगों को भी संजीव मिश्रा ने बिहार आने के लिए मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, वो बिहार में हर तरह की सुविधाओं की बात करते हैं और कहते हैं कि हमारा बिहार बदल गया है, हमें बिहार को पलायन प्रदेश नहीं बल्कि इस देश का सबसे प्रगतिमान और प्रगतिशील प्रदेश बनाना है। आपको बता दें कि संजीव मिश्रा ने कई क्षेत्रों में अपना झंडा बुलंद किया है। एक तो पैनोरमा ग्रुप जो कि मकान बनाती है, बिल्डिंग्स बनाती है और डुप्लेक्स बनाती है, इसमें भी एक सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ईमानदारी के साथ आपके सपनों का घर बनाती है और एक सुसज्जित घर आपके हवाले करती है, जिसकी आपने कभी कल्पना की होगी कि जिसके लिए आपने सपना देखा होगा। सपने देखते आप हैं और पूरा संजीव मिश्रा करते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि उस डुप्लेक्स में, उस कॉलोनी में वो सब कुछ आपको मिलेगा जिसकी आप कल्पना कभी सपने में किया करते थे। बात यहीं तक नहीं है, सिर्फ ये एक व्यवसाय ही नहीं है, इसके अलावे उन्होंने बच्चों के लिए किर्जी शिक्षण संस्थान के क्षेत्र में भी एक बड़ा काम किया है, और पैनोरमा स्कूल खोल करके उन्होंने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की बात भी कही है। इतना ही नहीं, आगे उनके कई ऐसे लक्ष्य हैं जिसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, और एक बहुत ही अत्याधुनिक अस्पताल बनाने की उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि लगातार उनके इस डेडिकेशन को लेकर के उन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने जो काम किए हैं उसको लेकर के 9 जुलाई 2023 को दिल्ली के ताज होटल पैलेस में बिहार के कई लोग मौजूद थे, कई क्षेत्र के मौजूद थे, जिसमें किसान, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर आयोजित इस विचार विमर्श में उन्हें अटल मिथिला सम्मान में से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस सम्मान को पाने के बाद भी उन्होंने अपनी जो गतिविधियां हैं उसे और तेज कर दी और बहुत तेजी से और भी ज्यादा मेहनत करने लगे। उन्होंने कहा कि ये सम्मान मेरे हौसले को और बुलंद करेगा और आगे बहुत कुछ करने का हौसला देता है। आपको बता दें जो तस्वीरें आपके सामने चल रही होंगी, जिस तरह की आप बिल्डिंग्स देख रहे होंगे, जिस तरह बच्चों के साथ उनका डेडिकेशन देख रहे होंगे, बच्चों को उनके
अंदर की जो क्षमता है उसे उभारने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सपने और लक्ष्य में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि सपने देखने के लिए आपको नींद की जरूरत होती है और लक्ष्य को पूरा करने के लिए नींद को त्यागना पड़ता है। आपको बता दें कि मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये बातें आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन कितना अमल करते हैं ये अब देखने वाली बात है। आपको बता दें कि संजीव मिश्रा ने एक ऐसा मिसाल कायम किया है जिसके पीछे पीछे अब बिहार के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो लाइन लगा करके आएंगे और आने के लिए अब समय बहुत कम रह गया है, क्योंकि इस तरह का एक संदेश भेजा गया है जिस संदेश को लेकर के बिहार और बिहार से जिसके भी दिल में धड़कता होगा ये अपना राज्य, वो अब बिहार की तरफ रुख करेगा। बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई जिन्होंने संजीव मिश्रा को अपना आइकॉन बताया है और कहा है कि इस तरह का हौसला करने वाले निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत और कठोर इरादे वाले व्यक्ति होंगे। यही कारण है कि जो लोग पूछते हैं कि बिहार में का है, उन लोगों को संजीव मिश्रा ने तगड़ा जवाब दिया है, जो मुमकिन नहीं वो भी कर दिखाता है, जो मुमकिन नहीं वो भी कर दिखाता है, हौसलों में ताकत हो तो बंजर में भी फूल खिला देता है। संजीव मिश्रा ने जो किया उसके लिए उन्हें 1000 सैल्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।